ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है और ये एक बग से भरी हुई अपडेट है जो आज तक हमें मिली ही नहीं है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के लिए एंड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर लेटेस्ट टेक न्यूज एंड अपडेट्स। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो यार अगर आप Redmi Note 8 के यूज़र हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। पता नहीं यार ये इंडिया के साथ ही क्यों करते हैं। चाइना में Android 11 की अपडेट दे दी है, यूरोप में नई अपडेट फेब्रुअरी सिक्योरिटी पैच लेवल चल रहा है और अब यहाँ पर ग्लोबल में भी फेब्रुअरी सिक्योरिटी पैच लेवल आ चुका है। MIUI 12.0.4.0 की ग्लोबल स्टेबल रोम की अपडेट विद फेब्रुअरी सिक्योरिटी पैच लेवल रिलीज कर दी गई है। पर पता नहीं यार ये हमेशा इंडिया में अपडेट्स लेट ही क्यों देते हैं, मेरे को समझ नहीं आती। इंडिया में यार इतने डिवाइस बिकते हैं, Xiaomi के नंबर वन कंपनी है और इंडिया को ही अपडेट सबसे लेट मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फेब्रुअरी का सिक्योरिटी पैच लेवल चल रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि यार ये ग्लोबल रोम है, इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होती हैं। पर यार इंडिया में अपडेट हमेशा लेट ही आती है, पता नहीं क्यों ये ऐसा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यार अपडेट में कुछ ज़्यादा नहीं है कि यार कि हाँ भाई इसमें बहुत सारे फीचर आ चुके हैं, क्या हुआ है यार बहुत कुछ हो चुका है, ऐसा नहीं है। पर फिर भी यार अपडेट जो है वो टाइम पर देनी चाहिए, जैसे ग्लोबल यूरोप चाइना में देते हैं वैसे ही इंडिया में देनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट में भी कंट्रोल सेंटर अभी भी वो डार्क ग्रे ही है, जो कि एकदम बेकार लगता है। पता नहीं ये कब आएगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट। सेटिंग्स में जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ सेम ही है, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। जो पहले हमें देखने को मिलता था वही है, बिल्कुल भी यार चेंजेस यहाँ पर नहीं आई हैं। और एक चेंज यही आई है जो कि चाइना एंड यूरोप में चल रही है। तो अगर आप यहाँ पर सिक्योरिटी में जाकर यहाँ पर गेम टर्बो में जाते हैं तो अब आपको यहाँ पर गेम स्पेस देखने को मिल जाता है। तो यही चेंज यहाँ पर आई है और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। पर दोस्तों फिर भी यार इंडिया में अपडेट्स आनी चाहिए जैसे कि ग्लोबल एंड चाइना में आती हैं मेरे हिसाब से। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपका आपको क्या लगता है। पर यार एक्सपेक्टेड यही है कि ये अपडेट इंडिया में भी जो है वो इसी महीने के एंड तक देखने को मिल जाएगी। वर्जन नंबर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, शायद MIUI 12.0.3.0 हो, पर देखते हैं क्या होता है। पर एक्सपेक्टेड यही है कि इसी महीने ये अपडेट इंडिया में भी देखने को मिल जाएगी। पर Xiaomi हमेशा डिले करता है Redmi Note 8 की अपडेट्स के लिए, स्पेशली इंडिया में। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इस अपडेट में यार ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको कोई भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडिया का रोम यूज़ करते हैं तो मैं आपको नहीं दिखाने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं है। पर फिर भी यार जो है वो फेब्रुअरी का सिक्योरिटी पैच लेवल है, हमें भी मिलना चाहिए। तो होपफुली यार एंड ऑफ दिस मंथ जो है हमें भी अपडेट मिल जाएगी, देखते हैं Xiaomi क्या करता है। तो यार ये सारी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर Redmi Note 8 के लिए। तो यार आज के लिए बस इतना ही।